वल्ला हबीबी, सो आज हम तुमको बताती ठीक से बात कर रहे। ओके सर। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ हाउ टू किल वार्डन इन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। सो प्लीज स्टॉप मेकिंग ऐसे फालतू वाले ट्रैप्स जो कि कुछ काम में नहीं आते हैं, इससे वार्डन तो किल नहीं होता। सो आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम वार्डन को किस चीज़ से किल कर सकते हो एंड वार्डन को किस चीज़ से तुम किल नहीं कर सकते। एंड वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल भी तुम्हें कुछ आइडिया नहीं आएगा। सो जल्दी से शुरू कर। सो सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि हम वार्डन को लावा से किल नहीं कर सकते। एंड बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो तुम्हें बताया कि लावा वाले ट्रैप बनाओ वगैरह वगैरह। सो लावा से उसे किल नहीं किया जा सकता। बट मेन चीज़ जो है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो है कि अगर लावा से नहीं मर रहा तो वो फायर एंड मैग्मा क्यूब वगैरह कुछ चीज़ों से नहीं डैमेज आता उसको, वो मरता नहीं है। एंड अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि वाटर का हम किस चीज़ से किल कर सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सो अगर तुम लोग वार्डन को एक ब्लॉक के अंदर ट्रैप कर देते हो एंड उसके ऊपर तुम लोग तीन ब्लॉक डाल देते हो तो वो सफोकेट होकर डैमेज लेता है एंड थोड़ी देर के बाद वो किल हो जाता है। सो अगर तुम वार्डन को किल करना चाहते हो तो तुम्हें दो ब्लॉक के अंदर उसे ट्रैप करना है, देन वो रेड वाले जो है उधर दो ब्लॉक डिक करके वहाँ पर पफर शीश को डाल देना है। सो कुछ इस टाइप करने के बाद तुम लोगों को पता चलेगा कि वार्डन को थोड़ी देर के बाद पोशन ऑफ पॉइजन का इफेक्ट जाता है एंड वो थोड़ी देर के बाद फास्टली किल हो जाता है। ये थे बेस्ट वे टू किल वार्डन। होप यू लाइक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना याद से।